आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और YouTube पर जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, Facebook पर जाकर भी फॉलो जरूर करें। नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। इस वक्त मैं डबवाली के ट्राई सिटी बस स्टैंड पर हूं, जहां की हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे। पिछले करीब दो महीनों से यहां पर सन्नाटा पसरा है और इस वक्त की तस्वीरें सबसे पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ। डबवाली के बस स्टैंड की तस्वीरें हैं, जहाँ पर राजस्थान, पंजाब और हरियाणा तीन राज्यों के यात्रियों का यहाँ पर आवागमन रहता था। लोग अपने गंतव्य की ओर यहीं से रवाना होते थे, लेकिन अब तस्वीरें यहाँ पर वानगी खुद बयां कर रही है कि किस तरीके से यहाँ पर सब कुछ वीरान है। बस स्टैंड भी इसके लिए तरस रहा है, त्राहिमान है कि आखिर कब वो वक्त आएगा जब यहाँ पर लोगों की चहल पहल शुरू होगी। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर सन्नाटा पसरा है और पिछले करीब दो महीनों से, जब से लॉकडाउन की स्थिति देश में है, तब से लेकर यही डबवाली का ट्राई सिटी का बस स्टैंड है। यहाँ पर हरियाणा रोडवेज से लेकर जो प्राइवेट बसेज है वो यहाँ से जो रवाना होती थी राजस्थान के अलग अलग हिस्सों के लिए, पंजाब के लिए, दिल्ली के लिए, चंडीगढ़, पटियाला, हम इलाका दिखा रहे हैं, वो दूसरी साइड दिखाऊंगा। पार्किंग जहाँ पर, ये वो एक मैदान खाली खाली सा नज़र आता है, जहाँ पर पहले कभी कदम रखने की भी जगह नहीं दिखती थी क्योंकि यहाँ पर बसें ही इतनी ज़्यादा होती थी। लेकिन सामने ही आपको हम प्रयोगशाला भी दिखा पा रहे हैं, वो सब डिपो डबवाली की, कि जहाँ पर आप देख सकते हैं गेट बंद है और तमाम रोडवेज की बसें अंदर हैं। और हालांकि अब हरियाणा में जरूर कुछ ज़िलों में रोडवेज की सेवा शुरू की गई है, वो भी चुनिंदा मार्गों के ऊपर बसें जो चलेगी। लेकिन लोकल सर्विसेज की बात करें, ज़िले की बात करें हम सिरसा की, तो सिरसा से जरूर पंचकुला के लिए बस सर्विस दो टाइम दिए गए हैं, लेकिन डबवाली में अगर स्थिति की बात देखें तो हम यहाँ पर बिल्कुल सन्नाटा पसरा है। और कितनी बड़ी संख्या में यहाँ से रोडवेज की जो बसें हैं वो यहाँ से करीब 30 के आसपास जो टाइम है बसेज के, वो यहाँ से जाते थे। और यहाँ पर पंजाब से, राजस्थान से अलग अलग जो लोग यहाँ से एक चैनल के माध्यम से यहाँ पे पहुँचते थे, और उसके बाद चाहे राजस्थान से आए लोगों को पंजाब में जाना होता था या फिर पंजाब वालों को राजस्थान में, तो यही एक स्टे का माध्यम बनता था जहाँ से लोग अपने गंतव्य की ओर रवाना होते थे। लेकिन अब पिछले दो महीनों से लगभग बस स्टैंड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सन्नाटा पसरा है, सिवाय यहाँ पर एक दो सफाई कर्मचारियों को और जो ड्यूटी प्रबंधक है यहाँ पर, उनके अलावा यहाँ पर कोई भी यहाँ पर नहीं आता है। और इससे पहले बेहद अच्छा माहौल यहाँ पर, रौनक होती थी और लोग यहाँ पर आपको वो पुकार सुनती थी परिचालकों की, बसेज की यहाँ पर जो आवागमन जब होता था, कितनी बड़ी संख्या में बसेज यहाँ पर रवाना होती थी। तो ये तमाम बातें अब डबवाली में नहीं हो पा रही क्योंकि लॉकडाउन और कोरोना से एहतियात के चलते सरकार की ओर से बस सेवा को बंद किया गया है। और अब फिलहाल बस स्टैंड पर सन्नाटा पसरा है। तो हमने आपको दिखाया किस तरीके से डबवाली के बस स्टैंड की तस्वीरें, और हम उम्मीद करते हैं बहुत जल्द देश में जैसी स्थिति सामान्य होगी तो बसेज की सर्विस यहां से शुरू हो जाएगी और आप लोग हरियाणा रोडवेज के सफ़र का आनंद उठा पाएंगे। लेकिन अभी तक किसी तरीके की कोई छूट नहीं है कि हर ज़िले के हर सब डिपो से बसेज हैं वो रवाना हो सके, लेकिन बस स्टैंड को पूरी तरीके से सैनिटाइज किया गया है, सफाई व्यवस्था को यहाँ पर बहाल किया गया है और इंतज़ार सिर्फ इस बात का है कि कब सरकार की तरफ से आदेश होते हैं। और सामान्य अगर स्थिति होती तो ज़रूर यहाँ से बस सर्विस है वो आपको मिल पाएगी। बहरहाल डबवाली के बस स्टैंड में बिल्कुल सन्नाटा पसरा है और अब तक करीब दो महीनों में अगर बात करें तो हरियाणा रोडवेज़ को करोड़ों रुपये का नुकसान है वो झेलना पड़ा है। और जिस तरीके से यहाँ पर हमारे सूत्र ये कहते हैं कि करीब एक रोज़ाना की 2 से 2.5 लाख की बुकिंग हरियाणा रोडवेज की हुआ करती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है क्योंकि पूरी तरीके से चक्का जाम है। तो ऐसे में बड़ा नुकसान कहीं ना कहीं राजस्व का हरियाणा रोडवेज को भी उठाना पड़ा है। कैमरा पर्सन हेमराज बेट के साथ गुरविंदर पन्नू, तेज हरियाणा, डबवाली।